तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस आई होप तुसी सारे चंगे होवोगे, आपा भी चंगे। आ देखो न्याणे दे भंगड़े पै रहे आ। तो सो गाइस आज हम लेने जा रहे हैं गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं घर में, और पाँच दिन रखेंगे, चार या पाँच दिन जितने भी दिन। तो गाइस ये तैयार है, बिल्कुल चांद तैयार। ये तैयार मतलब ऐसे हैं भी नहाए नहीं हुए, और गणपति जी लेने जा रहे हैं मेरे साथ। इधर हो, गणपति जी लेने जा रहे हैं। सुबह से बोल रहे हैं गणपति जी लेने जाने हैं, पर तैयार नहीं हुए। वाइट वाइट क्या आ रहा है यार? तैयार है ओलिव, ओलिव गणपति, इसको पूछियो गणपति जी आएंगे तो क्या करेगा, पूछियो जल्दी। मैं उठाएगा ओलिव, आज गणपति जी आ रहे हैं, क्या करोगे, क्या कैसे करोगे? फौजे बैठ गई अंदर, तो अभी हम जा रहे हैं गणपति जी लेने। देखते हैं शहर से मिलेंगे या कई बार हमें शहर से नहीं मिले, क्योंकि आजकल उनकी डिमांड बहुत होती है ना, तो उनके पास होता ही नहीं है, तो वो हमें जलंधर जाना पड़ता है। एक दो बार हम जलंधर से लेकर आए हैं, पर आज शायद मिल जाएंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शाम को ना गणपति जी का और प्रणव को बहुत ज्यादा शौक है, शौक इनको हर एक चीज का, पर इनका शौक ना जैसे रहता, मतलब कि जैसे बच्चों का शौक होता ना कि चीज अभी दुकान से ली है तो घर आते आते उसके लिफाफे फट जाते हैं, मतलब ऐसे शौक है इनके, मतलब कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है इनका शौक, एक घंटे में, दो घंटे, तीन घंटे बस। आज का दिन गणपति जी की पूरी सेवा करेंगे, कल को फिर भूल जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं गणपति जी के पास, यहाँ से गणपति जी लेंगे। और ये गणपति जी के दिनों में ना ये भी क्या करते हैं, ये 400 वाली चीज को ना बताते 3100 4100 2100 ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इनको भी पता लेनी तो होती है सभी ने। पर चलो इनका भी यही दिन होते हैं कमाने के। सो गाइस फाइनली हमने गणपति जी ले लिए, अब बाकी का सामान बाजार से, फिर मैं सोच रहा हूँ गाड़ी खड़ी करके लेकर आऊँ, क्योंकि बाकी सामान तो मिल जाएगा, सिर्फ पान के पत्तों की दिक्कत होगी, वो बाजार में जाना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी में दिक्कत हो जाएगी, जाम लग जाता है। सो गाइस फाइनली हम घर पे पहुँच चुके हैं। तो ऐसा था, जब भी निशा हमारे साथ जाती है ना गणपति जी लेने, तो हमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तो आज निशा ने किया, हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं लगा, गए हैं पसंद किए, लिए और आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं लगा हमें। जब इनकी मम्मा जाती है साथ में तो हमें बहुत टाइम लग जाता, कभी वहाँ मिलते नहीं है, पसंद नहीं होते, रेट नहीं बनता, ऐसे बनता, पर आज मिनटों मिनट सब कुछ हो गया गणपति जी की दया से। तो गाइस ये रहे हमारे गणपति जी, गणपति जी के साइड में है लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी के साइड में जुगल जोड़ी राधा कृष्ण की जय, और ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी मालिश करवा रहे हैं अभी मालिश होगी इनकी, और मालिश के बाद इन्हें भी सिंहासन पे बिराजा जाएगा। तो गाइस अब हम जल्दी से सामान ले आते हैं बाजार से, पूजा का पंडित जी आ रहे हैं, और फिर पूजा होगी, पूजा करके गणपति जी हमारे घर में रहेंगे 5 दिन। गणपति जी घर पर पधार चुके हैं और उनकी पूजा के लिए सामान आ गया है। छोटे भी कर दिए, बड़े मालिश कर दिए उनकी अच्छी तरह। पता नहीं है पीली लाइट व्हाइट लाइट साफ नहीं मिल रहा है इसका, चारी भुजाधारी
तो हे गाइस, हमारे गणपति जी पूजा के बाद अब हम शाम को भी आरती करेंगे। पंडित जी तो चले गए थे, उसके बाद हम यहीं पर बस बैठ गए थे। खाओ 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 खाओ, आज फुल डे तुम्हारा, खाओ मौज करो। देख लो खा नहीं रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में डाले हैं। टोको ने एक उठा लिया। आज तो ये है, ये रामा तोरी, मेरे को लग रहा है यही बनेगी है रामा तोरी। चलो आ जाओ बेटा, दो दो बिस्कुट और टू टू और आ जाओ, ये लो दो तेरे ठीक है, दो तेरे दो तेरे, उसको खाने दे बेटा। फिर गणपति जी सभी को खुश रखो, हमारी वीडियो देखने वालों को सभी को खुश रखो, वीडियो देखने वालों को क्यों, जो नहीं देखते उनको भी खुश रखो। लड्डू गोपाल जी। प्रणव क्या लेने जाना? दे प्रणव, प्रणव बोलूंगा। कौन से लेने जाने? बूंदी चोर के लड्डू, बूंदी चोर के लड्डू। आपने भी खाने हैं बूंदी चोर के लड्डू? खाने हैं? नहीं, सिर्फ बूंदी चोर के खाने हैं। ये बूंदी चोर कौन सा हो गया? मोती चोर के। हाँ आप सही बोला, मोती चोर के। सो गाइस, सामने बहुत ज्यादा भीड़ है रशा बाजार में और हम यहाँ पे एक्टिवा लगा के जा रहे हैं। चला प्रणव, प्रणव चाबी तेरे पास है? चलो टांगो फिर इसको। हमने मोती चूर के लड्डू और क्या था वो, माला ले लिया। तो हम जा रहे हैं घर, तो आपको व्यू दिखाते हैं। हम ढेरा जा रहे हैं, ज्यादा है ना, तो गाइस आपको रश दिखाते हैं कितना है। तो गाइस हम घर तो पहुंच चुके हैं, भीड़ में से निकल कर घर आ चुके हैं। सो गाइस हमारी आरती तैयार कर ली है माता जी ने, ये गणपति महाराज, सबको खुश रखो। चलो जगाओ आरती, जो जगाओ। हे सचियां जोतां वाली माता जी, तुहाडी सदा ही जय। बेटा आरती लगा दे टीवी में। बोलिए गणपति महाराज की जय। सो गाइस हमने आरती कर ली गणेश जी की, पर आरती ऐसा था हमसे हिंदी में नहीं लगी, मेरे को लग रहा मराठी में लगी थी, है ना, मराठी में लगी थी। पहले सिर पे, फिर मुंह पे लेते हैं आरती, फिर देते। तो गाइस आरती के बाद दादी जी फिर लग गए अपने नाटक देखने, अनुपमा नाटक। ये हमारा ईशान बहुत देखता नाटक, ये देख लो इनकी फनी वीडियो लड़ाई, ये देखना। अभी खेल रहे हैं ना, अभी लड़ पड़ेंगे। ये मोटा देखो खड़ा हो गया लड़ता। ये तो गाइस मार्केट गए थे तो ओलिव और इसके लिए पनीर भी ले आऊंगा, अब इनको खिलाया जाएगा बच्चों को। आ जाओ बच्चा। इधर आओ, ये बुढ़ा देखो कैसे खा रहा है। बुढ़ा तो अंदर फेंकता है यार, चूरा करके देना चाहिए ना, छोटे को चूरा करके देते हैं। ये फेंकता अंदर ना, ये बड़े बड़े पीस वैसे ही फेंकती है। ये इसको पनीर इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि ये सबको भोंकता है और ये सबको काटता भी है और ये नमस्ते भी करता है। पढ़ाई हो गई है? नहीं अभी की नहीं आज पढ़ाई। करूंगा। नौ तो बज गए बेटा, किस टाइम करेगा? मैं 10 बजे करता हूँ। तो गाइस वो बैठे हैं हमारे गणेश जी, तो आप दर्शन कर लीजिएगा। तो गाइस अब चल रही है हमारी खाने की तैयारी, चल रही है, रात के बज गए हैं 10:15। भाई साहब भूख लगी है, बहुत जोरों से लगी है भूख, जल्दी कर दो जो करना। शर्मा जी को भूख लगी, शर्मा जी को भूख लगी है ये वाले शर्मा जी को। तो हे गाइस हमने खाना खुना खा लिया, सभी बच्चे ऊपर चले गए हैं सोने के लिए और दादी जी यहाँ सोएंगे गणपति जी के पास। गणपति जी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबकी मनोकामना पूरी करना। तो सो गाइस अभी हम गणपति जी को भी सुलाने लगे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो अच्छे अच्छे। तो मिलते हैं आपको कल न्यू व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय बाय। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो एक मिनट चुप कर जाओ।